इस ये ऐसे घोड़ा कुछ बहुत बड़ा पैकेट लेकर आता है, इतना बड़ा, उसमें बहुत सारे घोड़ा है। वो घोड़ा पीने से वो चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे वो सब कर सकते, जबरदस्ती करने पे आपके नाखून उनको लगे, वो जबरदस्ती करता था आगे पीछे ऊपर नीचे, कैसे मैं आपको बताऊँ, यू नो शर्म आती है अभी क्या बोलने का। तब नाखून लगते तब और जब खुद को बचाने के लिए वो धक्का मारती थी तो कभी तो वो खुद अपने आप को भी मारते थे और वीडियो बनाते थे, कभी मेरे नाखून ऐसे लग गए होंगे। तो वो मीडिया के सामने ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें मारा करते थे। आप अभी भी उसका ब्लड चेकअप कराइए, अभी ये लोग मेरी फ्रेंड और ये लोग तो करते ही होंगे ना, चार पाँच 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 घंटे उसके ब्लड में से वही निकलेगा, घोड़ा निकलेगा ब्लड में से, क्योंकि वो तो उनका होता नहीं है। अगर वो घोड़ा ना पिए तो एक मिनट भी ना हो, मैं बीवी हूँ मैं ही बोल सकती हूँ, तो सारी औरतों को इम्प्रेस करता है घोड़ा पी पी के। मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए, मेरे साथ ज़िंदगी में कितना अन्याय हुआ है, मैं जोकर की तरह सबको हंसाने वाली लड़की आज मैं इतना रो रही हूँ, काश मेरा दर्द मेरी जनता को महसूस हो। मेरे पति आदिल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आज मेरे बाल भी सारे गिर गए, आदिल ने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरे सारे पैसे लूट लिए, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा तलाक होने वाला है, आदिल ने मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया है, मेरे सारे बाल गिर गए, बाल कटवा लिए मैंने आज, मेरे दोस्तों को छीन लिया, मेरा पैसा लूट लिया, हर जगह बदनाम किया मुझे। काफी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदिल ने काफी एलिगेशन लगाए आपके ऊपर, 200 करोड़ का डेफिनेशन केस डाला है, राष्ट्रीय जो आपके दोस्त थे उन्होंने भी 200 करोड़ का डेफिनेशन डाला है, क्या वो जिस आधार राष्ट्रीय तो पपेट है आदिल की, आदिल बोलता है उठ तो उठ बैठ तो बैठ, आदिल ने मुझे बोला था कि वो राष्ट्रीय का पूरा पैसा छीन लेगा, मैं चाहती हूँ कि वो राष्ट्रीय का पूरा पैसा छीन ले। आज आदिल का खर्चा राष्ट्रीय चला रही है, खाना पीना उठना बैठना घर का रेंट सब कुछ। ऐसी बातें आदिल ने कही थी कि मैं राष्ट्रीय का खर्चा उठाया, कभी भी नहीं, आदिल मेरे घर में रहता था, आदिल का पूरा खर्चा कपड़े से लेके खाने पीने का सब कुछ मैं उठाती थी, सारा खर्चा मैं उठाती थी आदिल का, आदिल एक रुपया भी लेकर नहीं आया था। आदिल ये कहते हैं कि राखी पोती जो फेम गेम खेल रहे हैं ये सब मिलके, इतना पैसा मैंने राखी पे उड़ाया कि मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लेता, राखी ने सिर्फ लूटा है मुझे। आदिल झूठ बोल रहा है, आदिल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है। उसने बोला कि तुझे पूरे जगत में और मीडिया के सामने पागल साबित करूँगा, तुझे जीने नहीं दूंगा, तुझे ऐसा महसूस कर दूँ कि तू खुद आत्महत्या कर लेगी। वो वैसे ही कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं जीना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। वो कह रहे थे अभी राशि और आदिल का जो रिश्ता था उन्होंने तो राखी बांध ली, अब राखी क्या इल्जाम लगाएगी हमारे? उसने इस राखी के साथ बुरा किया, रक्षाबंधन के नाम पे कलंक लगाया, दिन में भैया रात में सैया, शेम ऑन देम। अच्छा हाल ही में शर्लिन आपके साथ कल उन्होंने आपसे माफी मांग के दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, शर्लिन से बात करने के बाद क्या पता चला कि क्या है आपके बीच में चलने की जारी हो रही है, आपको किस तरीके से दोबारा? शर्लिन मैं शॉक हो गई जब वो पार्टी में मेरे पीछे पीछे आई, आप लोगों के सामने की बात है, मैं दूर दूर भाग रही थी, वो पीछे पीछे आई, मैं डर गई, मैं सोचा कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहती है, मुझे कल सच मुझे डर लगा था कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहती है, मतलब एक होता है ना कभी कभी मीडिया के सामने मार देना, मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे हाथ उठाया मेरे पे तो मैं सफरी पेन या पिन लेकर उसके माल्टे पंक्चर कर दूंगी, हाँ उसके माल्टे जो है खरबूजे वो मैं पंक्चर कर दूंगी जो बड़े बड़े, कल मैंने ये सोचा था अगर वो मुझे मारेगी तो। अच्छा अभी तो दोस्ती हो चुकी है तो ऐसी क्या बातें कुछ राज? उसको टारगेट किया गया, उसको बहुत बुरा किया गया उसके साथ, उसके आप भी थी मैंने सुनी सारा मैसेज, आज वहाँ मिलने आई थी मुझे, सारे मैसेज देखे आदिल और राष्ट्रीय ने,
बहुत ज्यादा उसको बोला कि हमको राखी को आपको सुनाया मैंने आप ही को सुनाया कि राखी को खत्म करना है राखी को खत्म करना है ये लोग ने मुझे मारने का प्लान भी बनाया मुझे मुझे शर्लिन ने बताया कि उन्होंने मुझे मार डालने का प्लान बनाया दोस्ती करके मुझे कहीं दूर लेके जाके कार में खाड़ी में फेंकने का मुझे विश्वास है शर्लिन पे मैं शर्लिन के साथ कहीं दूर नहीं जाऊंगी मुझे दोस्ती पे विश्वास है शर्लिन मैं वैसे विश्वास नहीं करना चाहती लेकिन तुमने कुरान पाक की कसम खाई है शर्लिन कि तुम बहन की निभाओगी मुझे नहीं लगता कि शर्लिन मेरे साथ ऐसा करेगी शर्लिन आदिल ऐसा ही है तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे खाड़ी में फिकवा देगा मुझे मरवा देगा गाड़ी से कुचलवा देगा शर्लिन इनकी बातों में मत आना शर्लिन क्या करूं मैं किसके पास जाऊं माँ ने बाप ने पैसा लूट लिया भिखारी कर दिया मुझे आदिल ने टिकटॉक पे दुबई वाले टिकटॉक पे बैठ के मैं जॉब करती हूँ क्योंकि मेरे बैंक में पैसा नहीं है आगे आदिल ने सारे पैसे लूट लिए वहाँ पे जॉब करके पैसा कमा के मैं अपना घर चलाती हूँ आप ही मेरे माई बाप हो मुझे आपके दुआ के सपोर्ट की जरूरत है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं किसके लिए गाना गा रहे हो खुद के लिए रोते हुए अच्छे नहीं लगते आप काफी सैड नजर आ रहे हो क्या करूं मैं मेरे बाल कट मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरा बाल कट गया आदिल ने मुझे इतना टॉर्चर किया आदिल ने मुझे इतने दाग लगा आदिल ने मुझे इतना लूट लिया पैसों से आदिल ने मेरे दोस्त छीन लिए आदिल ने मेरा सुख चैन छीन लिया आदिल ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मेरे सारे बाल गिर गए आज मुझे बाल कटाने पड़े राखी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको नहीं लगता आपका बाल कटाना आपके काम पर भी असर पड़ सकता है इसका हाँ मैं फिल्मों में काम करती हूँ मेरे इंडस्ट्री में बहुत मेरी वेब सीरीज आ रही है मेरे बहुत सारा काम आ रहा बहुत असर पड़ेगा लेकिन मैं क्या करूँ रोज़ सुबह उठती हूँ बाल इतने इतने गिरते बाथरूम में रोज़ सुबह उठती हूँ रोज़ इतने इतने स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है रोज़ रोज़ गुच्छा मेरा बाल गिरता है मेरे लंबे बाल थे अब इतने ही बचे अच्छा आदिल ने काफी इल्जाम लगाया आप पे उससे क्या कहना चाहोगे मैं ऑटो में बैठ के आप कर सकते जी भाई भाई ज्यादा खाली कर दो भाई आप लोगों ने इधर ही यहां पे रुको चलो आओ मेरी जिंदगी रोड पे आ गई आदिल कहां मैं बड़ी बड़ी कारों में घुमा करती थी कहां मेरे लंबे बाल हुआ करते करते कितने मैं खूबसूरत हुआ करती थी आपने मुझे बर्बाद कर दिया रोड पे ला दिया आदिल ये देखो अब मेरे लिए यही BMW है रुको भैया मेरे लिए यही BMW है ऑटो रिक्शा यही गाड़ी है मेरी जिंदगी देखो खुद BMW और बॉडी और हर जगह घूमता है मेरे लिए मुझे भिखारी बना दिया रास्ते पे ला दिया बाल भी गिर गए मेरे मुझे लूट लिया आदिल तुमने मुझे लूट लिया आदिल तुमने मुझे भिखारी बना दिया आदिल तुमने मुझे लूट लिया आदिल ठीक है अंकल आगे ले लो रिक्शा हो गया चलो चलो राखी चलो राखी
राखी जी एक मिनट रुक जाओ, बोलना है, बोलो बोलो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज, चलो भैया चलो, कोरा ही रह गया, चलो चलो चलो। मेरी जीवन कटी पतंग हो गई, आदिल तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे बाल भी चले गए, मेरे बाल चले गए, मेरे पैसे से लूट लिया, आदिल तुम मुझे मार डालना चाहते हो, कितना 500 करोड़, मैं जीना चाहती हूँ, आदिल तुम मुझे मार डालना चाहते हो। राखी जी दुश्मनों के लिए एक गाना, दुश्मनों के लिए एक गाना, इधर देख के। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, हरे करना भैया, चलो 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 चल